साथियों, आप सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब। आज मैं MZ खान, एडिटर KCN TV चैनल एंड धनबाद टुडे डेली डिजिटल मीडिया हिंदी न्यूज़पेपर। साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बार फिर हैं हाजिर कुछ खास मुद्दे को लेकर। और खास मुद्दा है झरिया कोयलांचल में पेयजल का मचा कोहराम की। साथियों, झरिया जैसा कि आप जानते हैं, झरिया की धरती कोयले के रूप में हीरा उगल रही है और झरिया के किनारे दामोदर नदी है और यहाँ की जनता प्यासी है। और बहुत ही हास्यास्पद बात है कि यह यहाँ की जनता राजनीति का शिकार हो गई है, पानी की भी राजनीति हो रही है। लोग यानी दो एक ही घराने का दो तबका एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, वर्चस्व की लड़ाई है, चुनाव की राजनीति है। वर्षों से गंभीर समस्या का निदान यहाँ की वर्तमान झरिया कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी ने वादा किया था और उस वादे को अमली जामा उन्होंने पहनाने के लिए धरातल पर उतारने के लिए पुरानी व्यवस्था को अलग थलग कर नई व्यवस्था को कायम किया। हालांकि इसमें समय लग रहा है, परंतु काम तीव्र गति से जारी है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि झमाडा जामाडवा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूनियन है और यह यूनियन वर्षों से सिंह मेंशन का यूनियन है, उसका दबदबा है। और इस यूनियन के बीच एक और यूनियन आ गया जो वर्तमान विधायक झरिया के नेतृत्व में है और इस यूनियन को वह पुराना यूनियन आगे नहीं बढ़े। झरिया की विधायक को लोगों से शर्मसार होना पड़े, इसके लिए पेयजल का कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया गया है। जहां तहां पाइप को फोड़ दिया जा रहा है और फिर बनाने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, बिल लिया जा रहा है और झरिया की जनता त्राही माम पानी के लिए कर रही है। सड़क पर उतर रही है। कल ही डिगवाडी में झरिया सिमरी मुख्य मार्ग को झरिया की जनता ने जाम किया। इससे पूर्व भी फूस बंगला चौक पर हल्ला बोल आंदोलन हुआ और झरिया के नए SDO अवर प्रमंडल पदाधिकारी 2 मनोज कुमार सिंह पहुंचे और उन्हें पुराने यूनियन के लोगों द्वारा दिग्भ्रमित तरह तरह से किया गया और किया जा रहा है। बहरहाल पेयजलापूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपेण ठप है। कभी कभार आंशिक जलापूर्ति हो रही है, लेकिन नियमित जलापूर्ति जो 3 महीने पूर्व हुआ करती थी आज वह नहीं है। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है और पानी भी राजनीति का शिकार हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि यह गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर यह गंदी राजनीति बंद नहीं हुई
तो झरिया की जनता का जनाक्रोश ऐसा भड़केगा कि सिंह मेंशन की चूल्हे हिला कर रख देगा। साथियों, पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी एक मौलिक समस्या है और यह जन समस्या है, और जब जन आंदोलन खड़ा होगा तो फिर किसी की नहीं चलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को आज विराम देता हूं और फिर नए तेवर और जन समस्याओं से जुड़ी हुई बातों को लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।